पंजाब राज्य के पठानकोट जिले के सुजानपुर गांव के रहने वाले अनिल कुमार ने कभी सोचा भी नहीं था कि 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण कोर्स करके जिंदगी की तस्वीर इस तरह बदल जाएगी। आज इनके परिवार में खुशहाली आ गई है। पिता की मौत के बाद अनिल और इनकी माँ को नाना के घर में आसरा तो मिल गया, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें फिर भी कम नहीं हुई। तो इन्होंने पास के ही स्किल डेवलपमेंट केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा चलाए जा रहे जूनियर रबर टेक्नीशियन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया, जहां इन्हें जॉब रोल की सारी बारीकियों की जानकारी दी गई। यही लाभ अनिल को भी मिला और इनकी नौकरी आज एक बड़ी रबर कंपनी में लग गई है, जहां पर इन्हें अच्छा पैसा भी मिलता है। हमारे घर में मेरे नाना जी काम करते थे, मेरे पापा काम करते थे, मेरे भाई काम करते थे, और मेरे को कोई सलूशन नहीं मिलता था कि काम करना चाहता था पर करना नहीं चाहता कि कौन सा करूं क्या करूं। और हर जगह ट्राई किया, जॉब के लिए भी ट्राई किया, मगर कोई मतलब कि अपना सलूशन नहीं निकला मेरा। फिर हर जगह मैंने ट्राई कर लिया और यहाँ भी आके ट्राई कर लूँ कि देखते अगर कुछ बन जाएगा तो ठीक है, वरना कहीं और जगह देख लेते हैं। फिर गया मैं वहाँ पर और वहाँ पर उन्होंने मेरे को बताया कि आपको 3 मंथ करना पड़ेगा कोर्स, उसके लिए आपको वहाँ पे हॉस्टल पे रहना पड़ेगा, एज ए फ्री होगा, इन्होंने कि आपका कोई पैसा लगेगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा, एज ए फ्री होगा। फिर वहाँ चला गया, मेरी ज्वाइनिंग होगी किसी मतलब की ज्वाइनिंग होगी और 3 मंथ का मैंने स्लोली स्लोली अपना कोर्स करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जॉब लग गई मेरी मतलब की लुधियाना में और आज 11,000 से ऊपर मेरे को मतलब की सैलरी मिल रही है और आगे भी अगर मैं मेहनत करूँगा, अपनी मेहनत करूँगा तो शायद से आगे बढ़ जाए। जब हाथ में हुनर आ जाता है तो फिर काम मिलने में परेशानी नहीं आती।